अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुबैर फारूक एक मतलब फिर से आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम खुश आमदीद और चैनों करता हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ पसरूर रोड के ऊपर एक बहुत ही कमाल के बारबेक्यू शॉप पे, गुज्जर टिक्का शॉप जो के नाम है एकमात का। आपको यहाँ पे दिखाएंगे हम लाइव टिक्के, इसके अलावा चिकन डाबू और लाहौरी नान चाट। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और आपने शेयर करना बिल्कुल नहीं बोलना। तो अभी आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर लाइव गुज्जर का बारबेक्यू जो कि यहाँ पर रेडी किया जा रहा है, बहुत ही कमाल का बारबेक्यू। उसमें जो है ना वो मिलेगी आपको बीफ की जो है ना वो बोटियाँ, उसके अलावा जो है ना वो कबाब, सीख कबाब, बीफ कबाब, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, चिकन बोटी, बिहारी बोटी और जाने कौन कौन सी। तो दैट्स अ स्पेशलिटी, आप ये चेक करें भाईजान जो है ना इस वक्त ये जो है ना बहुत ही कमाल की बारबेक्यू रेडी कर रहे हैं। खुशबुएं जो है ना वो हर तरफ फैली हुई हैं और बहुत ही कमाल का जो है ना इस वक्त एटमोसफियर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। जब ऑयल लगाते हैं ना तो मैं कहता हूँ टिक्कों की जान निकलती है यार, क्या कमाल है, बहुत आला। दे पलटा कबाब को, दे पलटा, वाह अखीर होगी भाई। इसका जो धुआं वो जो है ना चार सू फैला हुआ है। बारबेक्यू की आंधी में जो है ना हम आपको वेलकम कहते हैं, इसका मतलब ये है बारबेक्यू में कुछ तो खास है। हाँ, तवा चाम के सेक्शन को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे लगाई जाएगी बहुत ही कमाल की तवा चाम, चिकन वाली हो चाहे वो बीफ वाली हो चाहे वो जो मर्जी हो, कस्टमाइज किस्म की गुज्जर की तवा चाम जो है ना वो भाई जान रेडी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है ना वो बीट्स के ऊपर तवा चाप रेडी की जाती है। तवा चाप के ऊपर जब डालते हैं धनिया, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं, आप ये चेक करें। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो है ना वो आपको एक बहुत ही कमाल के साउंड बीट्स भी मिलेंगे और साथ मिलेगी तवा चाप, दैट्स ग्रेट थिंग। मेरा ख्याल है कि मनो में चिकन डाबू इस वक्त जो है ना वो आंखों को लुभा रहा है। डाबू यहाँ पर बहुत ही कमाल का जो है ना वो सौते किया हुआ मौजूद है, आप ये चेक करें कि कितना ज्यादा जो है ना वो मैरिनेटेड चिकन है और वहां पर जो है ना वो बना हुआ। वाओ, इट्स लुकिंग अमेजिंग। हाँ, जिन भाइयों ने ना कमेंट किया मेरी वीडियो में उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपको बता सकूं इसकी लोकेशन को भाईजान, ये वाली जो रोड है ना, ये वाली पसरूर रोड है, इसे पसरूर रोड कहते हैं। आप ये चेक करें, ये पसरूर जा रही है, इस तरफ पसरूर है और इस तरफ से ये रोड जो है ना वो आ रही है, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि इसका नाम है गुज्जर टिक्का शॉप। गुज्जर टिक्का शॉप जो है ना वो उसकी क्या हिस्ट्री है, हम कस्टमर रिव्यू भी लेंगे, हम जो है ना वो पूछेंगे कि भाई इसकी क्या जो है ना इसकी क्या बात अखीर है, क्योंकि कस्टमर्स को ग्रैब करती है, कैच दी है। इनका एक बहुत ही कमाल का यहाँ पर सेक्शन है जिसको कहते हैं जो है ना वो नान का सेक्शन, लाहौरी नान जो है ना एक इन्होंने ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जो है ना वो यहाँ पर अपना बहुत ही कमाल की जो है ना वो रोटियां लेके जा रहे हैं, रोटियां शोटियां पैक हो रही हैं, ये इनके नान का सेक्शन है। लाहौरी नान का जो है ना वो क्या किस्सा है, मेरा ख्याल है कि ये भी हमें किसी से पूछना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये भाई आटा गूंदने में मसरूफ है और बहुत ही कमाल का जो है ना वो मेहनत करके आटा जो है ना वो गूंद रहे हैं। ग्रिल जो है ना वो भर चुकी है, जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है लोग जो है ना वो बारबेक्यू की तरफ आ रहे हैं और अपने मील को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने जो है ना वो ये चेक करना I'm not afraid to die।
है ना वो बहुत ही कमाल का यहाँ पर फ्रेश किस्म का रेडी होकर मेरे सामने मौजूद है। आपने इसका कलर चेक करना है और चेक करके बताना है कि इसके अंदर जो है ना वो किलो की कितनी मकदार है। ये अगर आप चेक करें तो भाप उड़ाता हुआ चिकन दाबू इस तरफ आपको नजर आएगा। वाओ आप जो है ना वो ये चेक करें यहाँ पर जो है ना वो कस्टमर्स बैठ के अपना फूड एंजॉय करते हैं तो बहुत ही कमाल का जो है ना वो कस्टमर्स जो है ना वो उनका यहाँ पर फीडबैक लग रहा है क्योंकि इस वक्त जो है ना रात के वक्त लोग यहाँ पर बैठ के अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। आप ये चेक करें चिकन दाबू को जो है सर्व किया जा रहा है बहुत ही कमाल की रोटी के साथ। वहाँ पर जो है ना वो बहुत ही कमाल का जो है ना बारबेक्यू मौजूद है जो कि लगाया जा रहा है। उधर जो है ना चिकन चाप मौजूद है बहुत ही किस्म की और स्पेशल किस्म का चिकन दाबू आपको मिलेगा बिल्कुल मेरे सामने। यार यहाँ पर सिटिंग की बात की जाए तो इनकी बहुत ही कमाल की सिटिंग मौजूद है जो कि रूफ टॉप पे है। तकरीबन जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बहुत ही कमाल के काउचेस मौजूद है। यहाँ पे मौजूद है बहुत ही कमाल का इनका फैमिली हॉल जहाँ पर फैमिली बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि कब से जो है ना आप गुजर टिक्का शॉप पे आ रहे हैं और क्या ट्राई कर रहे हैं इनका? मैं तकरीबन इससे पहले भी 3-4 दफा आ चुका हूँ। इनका दाबू और कबाब बहुत मजे के हैं। बहुत मजे के हैं बिल्कुल। क्या चीज पसंद है आपको? चिकन दाबू के मसाला चाट पसंद है या इनका जो है ना वो एक होता है ना बारबेक्यू की एक टाइमिंग होती है बनाने की, कुछ कुछ जला देते हैं ज्यादा कुछ कम होता है, तो क्या चीज पसंद है बताएं हमारे व्यूअर्स को जरा। इनका फुल रोस्ट होता है दाबू जो है ना फुल रोस्ट होता है। कुछ होते हैं ना दुकानों पर कच्चे रह जाते हैं अंदर से लाल, वो चीज नहीं होती, फुल रोस्ट होता है। फुल रोस्ट मजा बहुत आता खाने, मतलब मजेदार होता है, मजेदार ऐसे ही है। अच्छा आप ना अब देखिए आपसे मैंने क्वेश्चन कर लिया, आपने ना बताना है कि इसकी रेटिंग करनी है तो रेटिंग जो है ना वो 10 ग्रेट है, 0 जो है ना वो वर्स्ट है, दरमियान में किसी जगह नहीं कर सकते हैं, बताएं क्या रेटिंग होगी इसमें? रेटिंग पछला कर लो अनुभव पाजी को पूछने दो, पाजी ने तुम्हें पता बिठाता तुसी यार को दसो 50-50 कह ले के मुझे 50-50 जी, मतलब 10 में से 5 नंबर देंगे आप जी। यार चिकन दाबू मेरा ख्याल है उस भाई को ना पसंद है लेकिन वो चीज नहीं है। अच्छा आप नंबर बताया कितने देंगे मुनीब? आप बता दें 90% नंबर दे। 90% एग्जैक्टली, इसका मतलब है 10 में से 9 नंबर। ये भाई मुनीब जो है ना वो टेस्ट को पहचानते हैं लगता है। मुझे खुशबू ने जो है ना वो बताया कि खुशबू ने बहुत कमाल की है। तो मुनीब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा, टिक्के आपके ठंडे हो रहे हैं। यही देख गया है इसीलिए कह रहा 90 नंबर, हालांकि चाहिए घट दे। मेरे साथ मौजूद हैं गुज्जर खान साहब, रावलपिंडी वाले नहीं बल्कि गुज्जर खान साहब हिमसेल्फ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गुज्जर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक दुआ अल्लाह के करम। अच्छा मेरे ऊपर ये दसो कि जिहड़ा ना एक रेस्टोरेंट किदों दा इत्थे मौजूद है गुज्जर खान भाई? ये 7-8 साल हो गए माशाल्लाह साडे इत्थे दे मौजूद। सब नालों बेहतरीन केड़ी शै वा जिहड़ी इत्थे जिहड़ी ना सेल है, चिकन दाबू चिकन चाप या तुहाडा बारबेक्यू, केड़ी शै जिहड़ी ना बेस्ट आ भाई? बेस्ट तां सारा कुछ है माशाल्लाह, सब कुछ असि अच्छे लाने, मतलब हर चीज मसाले सब कुछ असि चंगा लाने, लेकिन साडा दाबू बहुत मशहूर है माशाल्लाह। दाबू दी जेड़ा ना मैं देख रहा कि सब लोग ज्यादा ना इस टाइम मना तो भी उत्ते मेरा दाबू थोड़ा जी भाई माशाल्लाह मना तो ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा ये किदों थोड़ा सेटअप स्टार्ट कर दियो ते शाम नु किदों क्लोज कर दियो भाई? असि 4 बजे स्टार्ट करने ते 4 बजे बंद करने। अच्छा एक गल दसनी है जरा भावे मेरे कांजी दस देना, इहदे मसाला जात पांदे हो या लांदे हो, ये हिडन रेसिपी केदी है भाई? ऐसी पेशावर से लेकर आते हैं, पेशावर से मसाला ज्यादा इस्तेमाल करते हो भाई? बस फिर ता ही ना थोड़ी ये चीजें ना वो अखीर है गया मेरा ख्याल माशाल्लाह सब कुछ रश में देख लिया, वहाँ लोग टेक में भी करवा रहे हैं, गया तैयार चीज हो रही है। गुजर भाई तुसी ना तवज्जो मास्टर हो आप जी भाई, जबरदस्त मेहरबानी जी गुजर साहब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि आपको इससे ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट वो सियालकोट में मिल सकता है, लेकिन डोरने से आपने यहाँ पे आना है, इनकी चाप ट्राई करनी है, चाप को छोड़ देना है, आपने चिकन दाबू ट्राई करना है, चिकन दाबू को छोड़ देना है। अगर तो आपको चीजें पसंद नहीं आती तो आपने दोबारा टेस्ट करना है, रिव्यू की जगह बाकी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।